आज हमारे सारे साथी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे, तो मेरे मन में एक बात उठी। हम कई साथी यहाँ से उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में संघर्ष की राह आपने हमें दिखाई, आपने हमें आगे बढ़ाया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए कई बार मौका मिला मऊ जाने का, और मऊ में शहीद हवलदार अब्दुल हमीद के घर जाने का मौका मिला। कभी कभी मन में ये बात आती है कि ये जो सरकार खिलवाड़ कर रही है हमारे सम्मान से, हमारी सेना के सम्मान से जो खिलवाड़ कर रही है हमारे नौजवानों की उम्मीदों से, तो क्या अब आने वाले युग में हम फिर ये आशा नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये विश्वास नहीं रख सकते कि नौजवान हवलदार अब्दुल हमीद के पथ पर चलेंगे? अग्नि पथ पर चलकर क्या हवलदार अब्दुल हमीद के पथ पर पहुंच पाएंगे? जो हवलदार अब्दुल हमीद ने इस देश को आदर्श दिए, जो हमको उन्होंने प्रेरित किया, क्या वो एक बार फिर नौजवान हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे देश के, हमारे भारत के उसको पा पाएंगे? सवाल दो हैं, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल हमारे नौजवानों के भविष्य का है। प्रियंका जी, आपने, माननीय सोनिया जी ने बार बार निवेदन किया है, अपील की है नौजवानों से कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और इसलिए उत्तेजित होकर हिंसा